अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ, नई वैकेंसी की तरफ। 3200 से भी ज़्यादा नए पदों की वैकेंसी है। आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिक पास, 12th पास और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। जी हाँ, SSC फेज 9। ये वैकेंसी आपको पिछले साल भी निकाली गई थी SSC फेज 8 को लेकर। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी आपको अपटूडेट की थी। इस वीडियो में भी इसकी जानकारी आपको अपटूडेट करेंगे, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। चलिए सीधे लिए चलते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जहां पे इसके बारे में सारी जानकारी आपको अपटूडेट की गई है। दोस्तों ये 3200 से भी ज्यादा पदों की जो वैकेंसी है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको अपटूडेट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम हैं दोस्तों SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से जाके। जी हाँ, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ये SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जो कि आज के ही अपडेट में इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं मित्रों। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है फेज 9 को लेकर अपडेट किया गया है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड होकर आपके सामने भी आ गया है। तो नोटिफिकेशन आउट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों, शाम को ही। और आपको बता दें दोस्तों कि ये वैकेंसी का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। आपको आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करने योग्य हैं, वो कल से यानी कि 25 सितंबर से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट दोस्तों 28 अक्टूबर बताया गया है, रात के 11:30 बजे तक। उससे पहले ही आप फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, अन्यथा आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस जरूर कर जाएंगे। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर तक आपको यहाँ पे चालान के थ्रू भरने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसका एक एग्जाम होता है जो कि CBT पेपर होगा, वो जनवरी फरवरी में होगा। तो ये टेंटेटिव डेट भी आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपका परीक्षा जनवरी फरवरी 2022 में लिया जाएगा। तो अब इसकी तैयारी में आप लोग लग जाएं। जो भी छात्र यहाँ पे 10th पास हैं, उनके लिए MTS की वैकेंसी है भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, 300-350 पदों से भी ज़्यादा। और जो छात्र 12th बेसिस पे हैं, उनके लिए भी अच्छी अपडेट है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है थोड़ा, मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी दिखलाना चाहूंगा यहाँ से सारी चीज़ें लेकर, तो आपको थोड़ा सा वीडियो में बने रहना होगा। और बाद में जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना कि क्या मैं BTech हूँ, डिप्लोमा हूँ, आवेदन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको पूछने का हक है। लेकिन पूरा वीडियो जब देख लेंगे ना, तो यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। ये पूरा नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं, उनको कैटेगरी वाइज अप टू डेट किया जाएगा दोस्तों। ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, चाहे आप PH कोटे से हैं या आप OBC हैं या SC ST कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पे उसका रिलेक्सेशन जरूर मिलेगा। आप सभी को बता दें दोस्तों यहाँ पे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो अपडेट है, वो आपको फेज नंबर जो 10 दिया गया है, इसमें आपको अप टू डेट किया गया कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए गए हैं और जितनी वैकेंसी दी गई है, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपको मैं दिखलाना चाहूँगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके टोटल नोटिफिकेशन की तरफ। और फीस मात्र 100 रुपये है जो भी जनरल OBC और EWS कैटेगरी से छात्र आते हैं उनके लिए। और ये सारे सेंटर्स दिए गए हैं, मैं आपको सब कुछ दिखला दूंगा यहाँ से। आपको ये डेट आ चुका है यहाँ पे फाइनली, ये देखिए यहाँ से वो सारा डिटेल चालू है आपका पोस्ट को लेकर, है ना, जो भी जो पोस्ट के लिए आप आवेदन करें। तो मेरा यहाँ पे मोटिव एक ही है कि आपको ये पहले इस पोस्ट से अवगत करा दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए टोटल वैकेंसी का जो पद है ये काफ़ी ज़्यादा है, 3200 की लगभग वैकेंसी है। लेकिन हर वैकेंसी को लेकर अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट भी जारी की गई है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज सीट चेक करेंगे किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, टोटल सीट का विवरण यहाँ पे आपको दिया गया है। तो हमारा जो पहला पद है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, ये है जूनियर सीट एनालिस्ट का। उसके अलावा दोस्तों गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे जो कि वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए जो कि हायर पोस्ट है ये सब, है ना, तो हायर क्वालिफिकेशन भी यहाँ से मांगे गए हैं। तो मैं आपको इन सभी को अपडेट करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे चार्जमैन का भी वैकेंसी है जो कि मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया। और ये सारे आपके कोड दिए गए, कोड याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय कोड जो है लिख लीजिएगा आप साइड में कहीं, तभी फॉर्म भरिएगा बैठकर इसको। ये भी डायरेक्टर जनरल का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मेटलॉजी में भी डायरेक्टर जनरल ऑफ द यहाँ पे एरोनॉटिकल क्वालिटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है इन सब का। यहाँ पे लेवल 6 का वैकेंसी
या सैलरी स्केल दी जाएगी, यानी कि लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी ये 35 से 40 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग होगी आपकी यहाँ पे। लेकिन गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे 20 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया मांगा गया है, और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NCC की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। ये यहाँ पे विभागीय नाम है, इस वाले सेक्शन में ध्यान देखिएगा, इस विभाग से ये वैकेंसी सारी निकाली गई है। अच्छा, यहाँ पे जो देखिए एक चीज़ दिया गया है कि आपका ये जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है या फिर एबव भी है तो चलेगा, आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 34 है, बाकी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितनी किस कैटेगरी में वैकेंसी है। ओके, यहाँ पे दोस्तों मैकेनिकल चार्जमैन के लिए भी वैकेंसी है, टोटल 3 ही पद है यहाँ पे, और ये सारे पद यहाँ पे विवरण दिए गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सारे पहले तो पोस्ट से अवगत करा दूँ। एक पोस्ट है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट का, अकाउंटेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे। अब देखिए अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए आपका जो है ना ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन ये BCom में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेवल 5 का सैलरी स्केल होगा, 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है आपका, ठीक है, 18 से 27 साल तक का। एक ही पोस्ट है मात्र यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और भी पोस्ट है, देखिए 3200 पोस्ट है, अभी घबराइएगा नहीं, ये वो पोस्ट है जो कि बहुत कम है, लेकिन आगे और भी वैकेंसी है, इसके बारे में सारा विवरण देंगे। हेड क्लर्क का वैकेंसी है दोस्तों यहां पे, ध्यान दीजिएगा, और 18 से 30 साल तक एज क्राइटेरिया है। लेवल 6 का यहां पे आपको क्या है, पे स्केल है, तो यानी कि 35 से 36 हज़ार या 40 हज़ार तक की सैलरी बनेगी आपकी लगभग। ग्रेजुएशन एबव है आप यहाँ पे तो आवेदन बिल्कुल कीजिएगा, एक ही पोस्ट है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे और भी पोस्ट है, जैसे कि स्टाफ कार ड्राइवर का पोस्ट है, इसमें भी एक पद है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है जो कि एक ही पद है यहाँ पे, 18 से 30 साल तक है, इनका भी सारा एज क्राइटेरिया दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आपका पोस्ट है निकाला गया मेट्रिकुलेशन के लिए, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, ये मैट्रिक पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अदर पोस्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके कि नोटिफिकेशन अपडेट किए गए हैं। दोस्तों कंजर्वेशन असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे 12th पास के छात्र आवेदन कर सकते हैं, एक ही पद है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के वाइल्ड लाइफ को लेकर यहाँ पे पद निकाला गया है, ग्रेजुएशन का यहाँ पे छात्र आवेदन करेगा। लेवल 6 का यहाँ पे स्केल है, एक ही पद है यहाँ पे। रिसर्चर यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है फॉरेस्ट्री का, तो यहाँ पे लेवल 6 के लिए भी वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है जी दोस्तों, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया, एक ही पद है यहाँ पे। अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें हम यहाँ पे, तो यह है MTS की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जो कि मैट्रिक लेवल पे निकाली गई है। लेवल 1 का वैकेंसी है यहाँ पे, 18 से 25 साल तक एज क्राइटेरिया, तो 18 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकेगी। MTS के लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं जो कि मैट्रिक पास है। टोटल पदों की बात करें तो 398 पदों की टोटल वैकेंसी है, तो ये एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पे दिखी अभी आपको। आगे और चलते हैं, ये सारी वैकेंसीज का अपडेट आप लोग देख लीजिएगा, जिसका कि एक एक वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। आप लोग PDF भी पढ़िएगा तभी आप आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे करना है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाने का मैं सोचा हूँ इस बार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी पोस्ट है, और जूलॉजिकल असिस्टेंट का भी, और रिहेबिलिटेशन काउंसलर का भी पद है यहाँ पे दोस्तों। इन सब के लिए 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया मांगा गया है। लेवल 6 का ये टोटल वैकेंसी है, ग्रेजुएशन यहाँ पे जरूरी है, एक एक पदों की यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे ऑफिस अटेंडेंट का भी पोस्ट है, कैंटीन का भी पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन के बेस पर देख सकते हैं। ये सारे पोस्ट जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, हायर एजुकेशन और मैट्रिकुलेशन के पदों के लिए विवरण यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जो भी छात्र मैट्रिक पास हैं और 12th पास हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक पद निकाला गया है फोटोग्राफर के लिए ग्रेड 3 में, यहाँ पे 12th लेवल का जॉब है ये, ध्यान दीजिएगा। 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होगा, 8 पदों की वैकेंसी होगी। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे, ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे, एक ही पद है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए फिर से चार्जमैन का एक अलग पोस्ट है, लेकिन इसका जो है ना ये कोड याद रखिएगा आप लोग, कोड फॉर्म भरते समय ध्यान देना होगा, यही कोड भरिएगा नहीं तो अगले पोस्ट के लिए आवेदन हो जाएगा। सेम नाम है यहाँ पे, ये भी चार्जमैन मैकेनिकल के लिए है यहाँ पे, और ये विभाग याद रखिएगा किस विभाग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एज क्राइटेरिया दोस्तों 18 से 30 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए यहाँ पे डिग्री। ओके दोस्तों, यहाँ पे लीगल असिस्टेंट का वेरियस पोस्ट है, ये सब जितना भी पोस्ट है ना बहुत विभिन्न विभागों से विभिन्न तरीकों से ये वैकेंसी निकाली गई है, और हर वैकेंसी जो है लगभग लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का अभी तक का अपडेट आपको देखने को मिला है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो छात्र ITI कर रखे हैं वो भी अपने सेम कैटेगरी ट्रेडमैन में, अगर आपने ITI कर रखा है तो आवेदन जरूर करेंगे। ड्रिलर का जैसे यहाँ पे पोस्ट है देख सकते हैं, मैकेनिक्स का, ठीक है, तो यहाँ पे 19 पदों की टोटल वैकेंसी है, आवेदन जरूर करेंगे मित्रों। यहाँ पे देखिएगा 12th पास डिग्री होनी चाहिए, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जूनियर ग्राफिकल असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका डिग्री मांगा गया है, 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इससे एबव भी होगा तो चलेगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन एज ऊपर नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वो एबव हो तो चलेगा। 62 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, तो दूसरी बड़ी वैकेंसी जो कि बड़ी वैकेंसी
नहीं, दूसरी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे रिसर्चर असिस्टेंट का। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है और ग्रेजुएशन मांगा गया है। 146 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप सारी सीटों का विवरण देख सकते हैं यहाँ से आकर, किस कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। पर्सनल असिस्टेंट का भी पोस्ट है, पीए का भी पोस्ट है यहाँ पे, भाई बहुत अच्छी बात है, एक पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक और पोस्ट जो कि यहाँ वैकेंसी है दोस्तों, इस कोड को लेकर ये ध्यान रखिएगा। और ये वैकेंसी है दोस्तों लेवल 1 की, सेम कैटेगरी पोस्ट यहाँ पे लगेगा, 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया, लेकिन 3 ही वैकेंसी है इसको लेकर। तो ये फॉर्म भरते समय ना इसका भी थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना, आप कोड तभी यहाँ पे देखिएगा। और भी मल्टी टास्क की वैकेंसी है, एक और है यहाँ पे जो कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसका कोड भी अलग अलग है दोनों का, ठीक है, इन दोनों का। ओके अब यहाँ भी 3 वैकेंसी है दोस्तों। इलेक्ट्रिक वेल्डर का भी पोस्ट है यहाँ पे, 2 पद है। मल्टीटास्किंग स्टाफ देखिए, टेक्नीशियन का भी, टेक्निकल का भी यहाँ पे एक पोस्ट दे दिया गया है और ये पद है 78, यानी कि यहाँ भी मैट्रिकुलेशन वाले छात्र आवेदन करेंगे, लेवल 1 की सैलरी को पाएंगे, 18 से 20 हज़ार की सैलरी आपको यहाँ मिल सकेगी। डिप्टी रेंजर का भी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है बेंगलोर से, और H+2 यानी कि हाई 10+2 की यहाँ पे अपडेट की गई है, और 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। लेवल 4 का यहाँ पे सैलरी स्केल है, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखेंगे। 12 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ओके अगला चलते हैं, पद यहाँ पे है फील्ड मैन का दोस्तों। यहाँ भी 12th लेवल के छात्र आवेदन करेंगे, लेवल 2 की, लेकिन सैलरी स्केल मिलेगी आपको यहाँ पे 20 से 22 हज़ार की सैलरी, और 4 ही पद यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और किस कैटेगरी में है आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ओके ग्रेजुएशन लेवल पे एक और पोस्ट है सुपरिटेंडेंट का, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका कोड याद रखिएगा, और 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका दिया गया है। ग्रेजुएशन जरूरी है होना पास इसके लिए। उसी तरह दोस्तों और भी वैकेंसीज है यहाँ पे, सारा डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पे टोटल। दोस्तों एक पद है यहाँ पे ट्रांसलेटर का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जी हाँ ये है दोस्तों, रिक्रूटमेंट फॉर द इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी के लिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ये वैकेंसी है। 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन एबव चाहिए यहाँ पे। ये जूनियर ग्रेड इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए ग्रेड B का ये पद है दोस्तों, याद रखेंगे, इन्फॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। 40 पदों की टोटल ये वैकेंसी है। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे, ग्रेजुएशन लेवल का, लेवल 6 का ये पोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे, एक ही पद है। ये सारे एक पद वाले आप लोग जरूर देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे काफ़ी लंबा ये PDF है, इसको मैं आपको बताते बताते यहाँ पे नीचे चलाया। और यहाँ पे देखिएगा, ये है एलोपैथिक का, एलोपैथिक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो कि छात्र मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन 12th बेसिस आपको यहाँ पे जॉब अपडेट की जाएगी। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे, और इसके लिए भी आप आवेदन छात्र करेंगे, 12th लेवल की जॉब पे आवेदन करेंगे। फार्मासिस्ट कम क्लर्क की होम्योपैथी का पोस्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पद हैं आपके आने वाले जो कि आ चुके हैं, और ये है लेवल 5 का सैलरी स्केल, 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है, यहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं 3 पदों के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे पदों को लेकर ये सारा विवरण यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक पद यहाँ पे और है दोस्तों जो कि डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का है, ग्रेड 1 के लेकर, जो कि यहाँ पे CSO और MOD की ऑफिस में यहाँ पे आपको दिया गया है। लेवल 6 का सैलरी स्केल होगा और ग्रेजुएशन लेवल का ये पे स्केल आपको मिलेगा दोस्तों। 64 पदों की टोटल वैकेंसी होगी। उसी तरह यहाँ पे 38 पदों की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पे, ध्यान दीजिएगा। और ये है वैकेंसी दोस्तों जी हाँ, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर को लेकर। तो ये कोड याद रखिएगा, ये वही कोड नहीं है, अलग अलग कोड है और अलग अलग पद हैं अलग अलग विभाग को लेकर। ओके दोस्तों यहाँ पे 24 पदों की और वैकेंसी है जो कि बड़ी वैकेंसी दिख रही है। और यहाँ पे दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट का ये पद है दोस्तों। ओके इन सभी वैकेंसीज को देखिएगा, जिस वैकेंसीज के लिए आपको आवेदन करना होगा उतनी आवेदन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन के लिए वैकेंसी एक और देखिए आपको यहाँ पे, लेबोरेटरी अटेंडेंट की, एक ही पद है। 29 पदों की यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पदों है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर के अभी पद यहाँ पे दिया गया है, और इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपका, डिप्लोमा या फिर BE/BTEC वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। ओके 29 पद है यहाँ पे, 18 पद है जूनियर इंजीनियर के, एनालिस्ट क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे। अलग ये कोड है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं बार 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 आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान में रखना है। जूनियर इंजीनियर यहाँ भी पद है लेकिन इसका कोड अलग है, इस कोड पे ही भरना है आपको सब कुछ फॉर्म। 25 पद है यहाँ पे। ओके दोस्तों तो अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को पूरा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक एक करके 10 10 5 5 1 1 2 2 वैकेंसी का अपडेट आपको दिया गया है।
जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं ये सारे अपडेट हैं इन सभी वैकेंसीज को, टोटल वैकेंसीज को लेकर, जो कि ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ लेवल की और मैट्रिक लेवल के ऊपर ये वैकेंसी सारी निकाली गई हैं फेज 9 में, जिसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पद का नाम यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है, फायरमैन की वैकेंसी है, स्टोरकीपर का वैकेंसी है, इन सब का वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्टर से निकाली गई है। तो इन सब का अलग अलग एज क्राइटेरिया भी है और अलग अलग पे स्केल भी मेंशन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 142 पद की ये वैकेंसी है और 160 पद की ये बड़ी वैकेंसी है, जो कि स्टोर कीपर और फायरमैन की वैकेंसी और लेजर वन की वैकेंसी बताई जा रही है। ओके, तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि इस वैकेंसीज के माध्यम से अपडेट किए गए हैं। आप इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली देखिए और आपको क्या करना है, मैं आपको बोल चुका हूँ, इस कोड को याद रखना है और इस डिपार्टमेंट को याद रखना है। चूंकि देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस के भी तरफ से वैकेंसी है अपडेट की गई है यहाँ पे, है ना, कौन से पद में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है दोस्तों यहाँ से। ओके, मैट्रिक, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल का ये वैकेंसी यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। तो ये आप सारी डिटेल जो है यहाँ से चेक कीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है अब तो यहाँ पे, तो मैं आपको अब थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहता हूँ दोस्तों। जी हाँ, किसके लिए, तो टोटल वैकेंसीज का अपडेट यहाँ से कर देना चाहता हूँ। टोटल 3260 पदों की, 61 पदों की वैकेंसी है मित्रों, जो कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई है। इन सभी कैटेगरी में ये टोटल मिला के 3261 पदों की वैकेंसी है। मैंने सबके बारे में तो यहाँ अपडेट नहीं किया, एक एक पद की वैकेंसी है जिसका, है ना, लेकिन टोटल वैकेंसी आपको देखना होगा, खोजना होगा। एक महीने का समय मिला है आवेदन करने के लिए, तो आवेदन करना होगा। अब आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, अगर आपके पास पुराना यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ से लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके, फॉरगेट करके नया अपना पासवर्ड मंगा सकते हैं, यूजर आईडी मंगा सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहला फेज आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आएगा, उसको यहाँ पे क्या करना है, तो अपने पास लॉगिन कर लेना है फिर डाल के। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन पे जब आइएगा तो वो सारा डिटेल आपको देखिए मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ यहाँ से, यह कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, यहाँ पे सारा डिटेल बताया गया है, देखिएगा। ये देखिए फोटो का जो है, आप रिसाइजिंग देखिए कुछ इस तरह से मत कीजिएगा, जहाँ पे क्रॉस किया गया मतलब गलत है वो, इस तरह से फोटो नहीं डालना है आपको। इस तरह का चश्मा लगा के उल्टा सीधा फोटो नहीं चिपकाना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपको दिया गया है, इस तरह का फॉर्म में फोटो मत डालिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, ये तरीका है आपको यहाँ से फॉर्म भरने का। ये देखिएगा, ये आपका बेसिक डिटेल मांगा जाएगा पहले तो, ठीक है, और आधार नंबर है तो डाल दीजिएगा और वैलिडेट कर दीजिएगा, और टाइप ऑफ आईडी बता दीजिएगा, आईडी नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, आपका नाम दे दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे जरा हम, ये देखिएगा यहाँ पे फादर नेम और मदर नेम और मदर्स नेम, फिर वेरीफाई कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरीफाई कीजिएगा। ये आपका पहला फेज खत्म हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका एजुकेशन डिटेल मांगेगा यहाँ पे, तो मैट्रिकुलेशन का, टेंथ का सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से मेंशन करना होगा, यहाँ पे आपको बताना होगा, रोल नंबर वगैरह डालना होगा, ठीक है। ये आपको प्रक्रिया से गुजरना होगा फॉर्म भरते समय, ठीक, ओके। वेरीफाई रोल नंबर करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग कब का है आपका ये बताना होगा, मेल है फीमेल है ये आपको बताना होगा, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, मतलब वो बताना है आपको, किस पोस्ट के लिए आवेदन करने हैं। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर अपना जरूर दे दीजिएगा, एक ईमेल आईडी भी जरूर दे दीजिएगा जो कि हमेशा चालू रहे और एक्टिव रहे, नहीं तो उसके अलावा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप किसी का और का देते हैं तो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ लगता है गलती है तो रिसेट करके फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर पे आएंगे, कैटेगरी पूछेगा, ठीक है, कैटेगरी के बाद वेरीफाई कीजिएगा, नेशनलिटी पूछेगा, आइडेंटिटी पूछेगा, कोई आपके शरीर पे दाग निशान है तो वो बता सकते हैं आप लोग, आर यू पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीएच कोटे से आते हैं तो यहाँ पे अपना कैटेगरी बताइए किस कोटे कैटेगरी में आते हैं आप। ओके, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, स्टेट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है और आपका पिन कोड पूछा गया है। साथ ही साथ परमानेंट एड्रेस आपको बताना होगा अपना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सारे डिटेल अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, सेम पे क्लिक हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो डिक्लेरेशन आएगा, इसको आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके फिर फिनिश फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा, देन आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा और फिर आपका ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को इस तरह से कुछ देखना होगा आपको,
यहाँ से ये सारा डिटेल आपको भरा हुआ दिखेगा, और फाइनली इसमें भी आपको भर के सारा डिटेल यहाँ से, ये जो सारा डिटेल पूछेगा इसमें, आपका डेट ऑफ बर्थ, कब मैट्रिक किए हैं, ये सब कुछ इस तरह से आपका फॉर्मेट दिखेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट आपका दिखने वाला है। ठीक है, आपका पूरा डिटेल मांगेगा, फोटो यहाँ पर अच्छे से रिसाइज करके डालिएगा, है ना, ये आपका रिसाइज करने का यहाँ पर अपडेट दिया गया है, यहाँ पर रिसाइज कर लेगा इस साइज में, और सिग्नेचर भी इस रिसाइज फॉर्मेट में, सिग्नेचर को रिसाइज करके अपलोड कर दीजिएगा, और देन आई एग्री पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद इस कैप्चे को यहाँ पे डालना है। ठीक है, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिएगा, और प्रीव्यू करने के बाद फाइनली आपसे पूछेगा पेमेंट, तो आप पेमेंट अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सारी डिटेल आपको अप टू डेट की है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सारा डिटेल आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।